हे हाय गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्ट इन क्लास फंक्शंस के बारे में अब हम बात करेंगे बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में जब भी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तब पाइथन बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स मेंटेन करता है इंटरनली दीज आर द बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स फर्स्ट वन इज अ डिक्ट ये क्लास का नेम स्पेस मेंटेन करता है सेकेंड वन इज अ डॉक ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग होल्ड करता है थर्ड वन इज नेम ये क्लास का नेम होल्ड करता है फोर्थ वन इज मॉड्यूल ये मॉड्यूल नेम होल्ड करता है जिसमें क्लास डिफाइन है देन बेसिस ये बेस क्लास का लिस्ट होल्ड करता है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे क्योंकि बेस क्लास क्या होता है इनहेरिटेंस क्या होता है ये हमें नहीं पता है सो so, इसको अभी स्किप करते हैं इन चार चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे सो so, ये प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंड दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग आई हैव क्रिएटेड फॉर दिस एम्प्लॉय क्लास डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बताता है कि क्लास का पर्पज क्या है सपोज ये क्लास कहीं और पे प्रेजेंट है एंड मैंने इस क्लास को यहाँ पे इम्पोर्ट किया है मुझे यह पता लगाना है कि इस क्लास का पर्पज क्या है I will write print, आपको क्लास का नेम देना है। एम्प्लॉई डॉट नोटेशन से इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग स्टोर किया जाता है सेव एंड रन यू विल गेट द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग और आपको पता चलेगा कि यह एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करता है सो यह क्लास एट्रीब्यूट से तो आपको क्लास का रेफरेंस देके इन्हें कॉल करना पड़ेगा कॉल so नहीं करना पड़ेगा जस्ट प्रिंट करना पड़ेगा इन वेरिएबल्स को ये वेरिएबल्स है सेकंड वन इज डिक्ट जो कि क्लास का नेम स्पेस प्रिंट करता है जिसमें सारे नेम्स लिखे होते हैं सब कुछ कंटेंट आता है क्लास का यू कैन सी सो एवरीथिंग प्रेजेंट इन साइड दिस एम्प्लॉय क्लास गेट्स प्रिंटेड हियर यू कैन सी दिस डिस्प्ले फंक्शन एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वगैरह नेक्स्ट इज नेम मैं नेम को प्रिंट करके दिखाता हूं जो क्लास का नेम प्रिंट करेगा सो so, सपोज आपको कोई कंडीशन लिखनी है जिसमें क्लास का नेम आता हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं क्लियर करके मैं फिर से रन करता हूं यू कैन सी दिस इज अ क्लास नेम एम्प्लॉय अब मैं मॉड्यूल नेम प्रिंट करता हूं जिसमें ये क्लास डिफाइन है अब ये करंट मॉड्यूल में डिफाइन है तो इसीलिए आपको मेन प्रिंट करके मिलेगा मेन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो क्लास एम्प्लॉय है ये इसी मॉड्यूल में डिफाइन है सो so अगर मैंने इसे इंपोर्ट किया फ्रॉम अदर मॉड्यूल लेट्स कंसीडर ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो जहां से आपने इसे इंपोर्ट किया है जिस मॉड्यूल के अंदर ये एम्प्लॉय क्लास डिफाइन है उस मॉड्यूल का नेम ये प्रिंट करेगा तो हमें पता चलेगा कि इस क्लास को हमने इस मॉड्यूल से इंपोर्ट किया है सो so ये चार एट्रीब्यूट है एक और है बेसिस जो बेस क्लास की लिस्ट प्रिंट करके देता है लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे इनहेरिटेंस में इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम